इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 1 जून के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 2001 में नेपाल के राजमहल में हुए सामूहिक हत्याकांड में राजा रानी और परिवार के अन्य सदस्यों की जान ले ली गई थी। इसके बाद राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देश के नए राजा बने थे। देश दुनिया के इतिहास में 1 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1670 में इंग्लैंड के महाराज किंग चार्ल्स द्वितीय और फ्रांस के राजा किंग लुईस 14वें ने डच विरोधी गोपनीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1927 में आज ही के दिन अमेरिका और कनाडा के बीच शांति संबंध बहाल हुए थे। फिल्म मदर इंडिया में हिंदी फिल्मों की सबसे यादगार माँ का किरदार निभाने वाली नरगिस दत्त का जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। आज ही के दिन 1930 में भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी डक्कन क्वीन को बॉम्बे, वीटी और पुणे के बीच शुरू किया गया था। 1941 में आज ही के दिन ब्रिटिश सेना ने इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1965 में जापान के फुकुओका क्षेत्र में कोयला खदान में विस्फोट होने से लगभग 250 लोग हताहत हो गए थे। 1969 में आज ही के दिन कनाडा के रेडियो और टीवी पर तंबाकू उत्पाद और उनसे संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। आज ही के दिन 1970 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन के ऊपर एक चुनावी सभा के बाहर अंडा फेंका गया था। भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक करणम मल्लेश्वरी का जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ था। 1979 में आज ही के दिन रोडेशिया में 90 साल बाद अल्पसंख्यक श्वेत लोगों के शासन का अंत हुआ था और घोषणा हुई थी कि अब देश को जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाएगा। आज ही के दिन 1980 में CNN टेलीविजन नेटवर्क का पहली बार प्रसारण शुरू हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन आज ही के दिन 1987 में हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म आज ही के दिन 1991 में हुआ था। आज ही के दिन 1992 में भारत और इजराइल के बीच हवाई समझौता हुआ था। भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन आज ही के दिन 1996 में हुआ था। आज ही के दिन 2001 में नेपाल के शाही परिवार के नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह, उनकी पत्नी और शाही परिवार के कई अन्य सदस्यों की जान ले ली गई थी। इसके बाद ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देश के नए राजा बने थे। 2005 में आज ही के दिन अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी। आज ही के दिन 2006 में ईरान ने परमाणु शोध कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ किसी प्रकार के समझौते से पूरी तरह इनकार किया था। 2007 में आज ही के दिन ब्रिटेन में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। आज ही के दिन 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ था। 2008 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बराक ओबामा ने शिकागो के ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के संस्थापक निदेशक एवं महात्मा गांधी पर कई किताबें लिख चुके इतिहासकार बाल राम नंदा का निधन आज ही के दिन 2010 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।